press on subscribe button and hit the bell icon. Hello, namaste, Game Show. My name is Vrinda and welcome to my channel Indian Foreign Life. I hope aap sabhi ghar pe ekdam safe ho. Please stay at home and stay safe. Hair fall abhi bahut hi big issue hai. Bahut sare logo ko hair fall problem hoti hai. Grey hair aur bahut sare common issue hote hai, dandruff. Aur in sab se fight karne ke liye log branded mehenge shampoo, conditioner, bahut sare hair mask, treatment aur wo sab use karte hain. Ek saal pehle mujhe bahut hair fall ki problem thi. मैं जब ऐसे कोम करती थी तब इतने सारे बाल मेरे हाथ में आ जाते थे और लिटरली जब मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं टकली ना हो जाऊं, इतना सारा हेयर फॉल होता था. हमारी लाइफ के अंदर हम बहुत सारी कॉमन मिस्टेक करते हैं, कई बार उसकी वजह से भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है. सो चलिए हम शुरू करते हैं. मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर करना चाहूंगी बेस्ट टिप्स फॉर हेल्दी लुकिंग हेयर. सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करते हैं हेयर ऑयल. यस, हम सब पढ़ते हैं कि ऑयलिंग इज अ वेरी गुड फॉर हेयर. ऑयलिंग करने से बाल अच्छे हो जाते हैं, नाइस स्मूथ शाइनी. एंड ऑयलिंग जब आप करते हैं तब ब्लड सर्कुलेशन होता है और वो बहुत ही अच्छा है. डेफिनेटली वो सारी चीजें ट्रू है, लेकिन आप कौन सा हेयर ऑयल यूज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम जनरली, मैं भी एक साल पहले जब मैं जो हेयर ऑयल यूज करती थी वो बहुत ही वेल नोन है और मोस्ट ऑफ द पीपल यूज करते हैं, लेकिन आप पीछे अगर इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. मैंने ऑब्जर्व किया था, मैं आलमंड ऑयल यूज कर रही थी लेकिन उसके अंदर सिर्फ 25% ही आलमंड ऑयल था और बाकी सारा तो मस्टर्ड ऑयल था. तब मुझे पता चला कि अच्छा, मैं तो एक्चुअली मस्टर्ड ऑयल लगा रही हूँ, आलमंड ऑयल तो इसके अंदर है ही नहीं. घर पे ऑयल बनाने के लिए आप भुंगराज पाउडर ले लीजिए, मार्केट में इजीली अवेलेबल है. एक पॉट लीजिए, उसके अंदर आप कोकोनट ऑयल डालिए. मैंने 500 ml यूज किया था. उसके अंदर आप नीम के पत्ते, आंवला का पाउडर, रोज पेटल और आपको जो भी डालना है वो डाल के उसे अच्छे से उबालिए. उसके बाद उसे पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए. नेक्स्ट डे उसे स्ट्रेन करके एक एयर टाइट कंटेनर में भर लीजिए. कुछ ग्रीन कलर का इस तरह से दिखेगा. उसके बाद बारी आती है कंडीशनर. बहुत सारे लोग लाइक मैं भी कंडीशनर यूज करती थी, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है जब भी मैं कंडीशनर करती थी अपने बालों को, बहुत सारे बाल उसको जब धोती थी तब बहुत सारे बाल मेरे हाथ में आ जाते थे. मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब भी मैं लगाती थी और उसके बाद धोती थी तब पता नहीं क्यों बहुत सारे बाल मेरे हाथ में आ जाते हैं. तो तब मैंने एलोवेरा जेल लगाना स्टार्ट किया. शैम्पू करने के बाद अगर आपको कंडीशनर यूज करना है तो एलोवेरा जेल को एज ए कंडीशनर आप यूज कर सकते हैं और उससे मेरे बाल मेरे हाथ में नहीं आते थे. दिस इज ट्रू, मैंने यूज किया है. तो मैं एक्चुअली पतंजलि का एलोवेरा जेल, आई एम नॉट प्रमोटिंग पतंजलि, और उससे मुझे बहुत ही अच्छा लगा. इट्स वेरी गुड थिंग, बहुत ही अच्छी चीज है. तो कंडीशनर की जगह आप स्विच कर दीजिए एलोवेरा जेल लगाना और उसके बाद 2 मिनट के बाद उसे धो दीजिए. तो यू कैन यूज एलोवेरा जेल एज अ कंडीशनर. तीसरी चीज है कोम्बिंग. यस, हम अभी बहुत सारे लोग बहुत बिजी है तो हमारे पास टाइम नहीं होता है क्योंकि हम कोम करें अपने बालों को रोज. तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, क्योंकि सुबह उठते ही, मैं भी ऐसा ही करती थी, लाइक मैं जब सुबह उठती थी तब अपने बालों को इस तरह से बांध देती थी और पूरा दिन मेरे बाल लिटरली ऐसे ही रहते थे. इस तरह से पूरा दिन मैं इस तरह से अपने बालों को बांध देती थी और वो कभी कोम करने का टाइम ही नहीं मिलता था. तो मैं आई थिंक 2-3 दिन में एक बार कोम करती थी. सो कोम्बिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप कोम करते हो तो मेक श्योर कि
जो ये छोटे वाले है ब्रिस्टल वो यूज ना कीजिए, ये बड़े वाले कीजिए। जिन लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो तो इससे भी बड़े यूज कीजिए। तो इस तरह से आप कोम कीजिए अपने बालों को, और मेक श्योर कि आप स्कैल्प पे, यहाँ पे, सभी जगह पे कीजिए। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, और इससे आपके ब्लड सर्कुलेशन से आपकी जो रूट्स है उसको भी पोषण मिलता है। तो मेक श्योर कोम्बिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बाद बारी आती है हेयर मास्क की। यस, सो बहुत सारे अभी मार्केट में हेयर मास्क मिलते हैं एंड पीपल आर यूजिंग दैट। लेकिन उन सारे हेयर मास्क के अंदर मैंने देखा है, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो कई सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, उन लोगों ने एडिटिव्स यूज किए होते हैं। तो घर पे बनाना बड़ा इजी है। अगर आपको हेयर मास्क लगाना है तो आप अंडा, योगर्ट और मेथी पाउडर, यस मेथी पाउडर इज बेस्ट। और अगर कोई वेजिटेरियन है जो एग नहीं खाता या नहीं यूज करता, तो आप योगर्ट और मेथी पाउडर डाल के मिक्स करके उसे लगा सकते हैं। एंड दिस इज बेस्ट। हियर आई एम शोइंग यू हाउ टू डू दैट। उसके बाद आता है स्ट्रेस। यस, कई सारे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने फिगर को लेके, फेस को लेके, हेयर को लेके। लेकिन अगर आपके बाल रोज के 5-10 झड़ रहे तो डोंट टेक अ स्ट्रेस, इट्स फाइन, वो फिर से ग्रो हो जाएंगे। 5-10 बाल झड़ने से गंजापन नहीं आता है। सो आपको ये स्ट्रेस नहीं लेना है कि मेरे बाल झड़ रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा, लाइक आप इस तरह से कोम कर रहे हैं और बहुत सारे अगर बाल झड़ रहे हैं तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। अगर 5-10 बाल झड़ रहे हैं तो इट्स फाइन, आप स्ट्रेस मत लीजिए। बात आती है डाइट। डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं, अपना फेस नाइस ग्लोई रखना चाहते हैं, हेयर ग्लोई रखना चाहते हैं, सबका फंडा डाइट पे तो आ ही जाता है। बिकॉज डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो खाते हैं वही आपके फेस पे, हेयर पे और आपकी हेल्थ पे बेसिकली यही रहता है। मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि कई सारे लोग यहाँ पे साइड में अगर सेक्शन बनाते हैं और ये साइड ही हेयर स्टाइल करते हैं, तो वो हमेशा ऐसे ही हेयर स्टाइल रखते हैं। कई सारे लोगों को बीच में सेक्शन बना के हेयर स्टाइल करनी है या फिर अपने बालों को बांधना है, तो वो पूरा दिन या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही रखते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, वहां पे आपको बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। तो आपको कीप चेंज करते रहना है अपनी हेयर स्टाइल को, और स्टाइल को चेंज करते रहिए। किसी दिन हाई पोनीटेल बना दीजिए, लूज पोनी बना दीजिए, आप छोटी बना दीजिए, और बहुत सारी हेयर स्टाइल आपको चेंज करते रहनी है। उसकी वजह से आपके बालों को एक खिंचाव सा ना हो और वो ज्यादा टूटे नहीं। उसके बाद, दिस इज वेरी फनी बट दिस इज ट्रू, मैंने खुद नोटिस किया है और ये मेरे साथ हुआ है। मैं एक्चुअली अपने बालों को खुले करके सो जाती थी, और उससे क्या होता था, क्योंकि मैं ऐसे टर्न करती हूँ, ऐसे टर्न करती हूँ, मैं पूरी रात ऐसे टर्न करती, स्ट्रेट नहीं सोती हूँ, मेरी ऐसी हैबिट नहीं है। मैं तो उससे क्या होता है, यहाँ के जो बाल होते हैं जब आप सो जाते हो ऐसे, तो इसको ये खिसते हैं, लिटिल बिट फ्रिक्शन होता है, तो उसकी वजह से ये छोटे 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 टूट जाते हैं यहाँ, स्पेशली इस एरिया के अंदर। तो मेक श्योर कि जब आप सो जाए तब आपको इस तरह से बालों को खुले नहीं छोड़ना है, उसको एकदम हल्का सा इस तरह से आप नोट बना लीजिए, हल्का सा, एकदम टाइट। और हाँ, कई सारे लोग बहुत टाइट ऐसा बांध के सो जाते हैं। सो मेक श्योर कि बहुत टाइट ना रखें और खुले भी ना छोड़े। इस तरह से एक छोटी सी चोटी बना के, रबर बैंड लगा के सो जाना है। तो आप देख सकते हो कितना खुला है। तो इससे ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर होगा, और कई लोग टाइट एकदम रख लेते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो
खोलते हैं अपने बाल तो बहुत सारे बाल टूट जाते हैं, तो मेक श्योर कि इस तरह से एकदम हल्की सी चोटी बना लीजिए और चोटी बना के फिर सो जाइए। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।